नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। इस वर्ष मॉनसून भी बहुत बेहतर और पहले के मुताबिक बारिश भी खूब हुई, लेकिन क्यों आखिरकार बंद है बांध के गेट? अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं हमारे सहयोगी अमन की ओर। जी अमन, तो क्या स्थिति है वाण सागर बांध की? कितना जल भराव है वहाँ? जी देखिए, जैसा कि बताया ही गया है कि ये जो मानसून का सीजन है वो लगभग खत्म हो चुका है। अब ये अक्टूबर हीट चल रही है, इसके बाद ठंड का सीजन शुरू हो जाएगा। तो ये इस मौसम के निकल जाने के बाद अब तरह तरह के आकलन किए जा रहे हैं, बारिश से संबंधी और बाढ़ से या फसलों से संबंधित तरह तरह के आकलन किए जा रहे हैं और आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में ये बताया गया है कि हर साल बाण सागर बांध में, जो कि शहडोल का एक बहुत बड़ा बांध है जिससे आसपास के इलाके में बिजली की, मछली पालन की, इन सब की चीजें, जरूरतें पूरी होती हैं, इसमें इस बार गेटों को खोलने की नौबत नहीं आई है। यहाँ जो खतरे का निशान था वो लगभग 341 मीटर के आसपास था। इस निशान तक इस वर्ष इस निशान तक पानी नहीं पहुंच पाया है, लगभग 340 मीटर के आसपास ही पानी का जल भराव यहाँ पर देखा गया है। तो ये कारण था कि यहाँ पर गेट खोलने की नौबत नहीं आई है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है। हुई है, एवरेज जैसे कि हर साल होती है उतनी ही मात्रा में यहाँ पर बारिश देखी गई है, और यही कारण है कि इस वर्ष बाण सागर बांध के इन गेट को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जी अमन, आपने पिछले वर्ष की बात की, तो यदि हम बात करें पिछले महीने की, तो यहाँ बारिश कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी उम्दा साबित होगी, बताइए भी जा रहा है अमन। देखिए, इस वर्ष जो कृषि वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि ठीक है, पर्याप्त मात्रा में बारिश हुई है, और आंकड़े की बात करें तो लगभग 96 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक के इस कालखंड में। तो काफी अच्छी बारिश कही जाती है, और यही ऐसी ही एवरेज बारिश खरीफ की फसलों के लिए जरूरी होती है। तो इस बार जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी फसल होने की उम्मीद है, और इस जो बारिश हुई है उसके कारण जो नदी, तालाब और कुएं में पर्याप्त मात्रा में भी पानी भर गया है, जो अगली फसल यानी कि गेहूं की और अन्य रबी की फसलों की सिंचाई में भी काम आएगा। जी अमन, ये बहुत अच्छी खबर है किसानों के लिए। और यदि हम बीमारी की बात करें, तो कोरोना की स्थिति सुधरने के साथ साथ मलेरिया और डेंगू ने अपने पैर पसार दिए हैं, तो आखिर क्यों इतनी तेजी से फैल रही है बीमारी? क्या मौसम के हाल की वजह से है ये सब कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, मौसम के हाल की ही वजह से है। देखिए, बारिश अभी खत्म हुई है, पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ, ये आखिरी दिन चल रहे हैं बारिश के, और अब जो है अक्टूबर हीट का टाइम आ गया है। तो इस दौरान दिन में बहुत ज्यादा उमस होती है, गर्मी होती है, और रात में ठंडक होने लगती है। तो ये जो मिला जुला एक माहौल है, मौसम है, दिन में ठंडक और रात में, सॉरी, दिन में गर्मी और रात में ठंडक का, इसके कारण जो बीमारियां हैं या जो बैक्टीरिया हैं ये ज्यादा पनपते हैं और इनसे बीमारियां फैलती हैं। तो लोगों को यही हिदायत दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि ये मौसम जो है वायरल बीमारियां, सर्दी, खांसी, बुखार, इन सब के लिए एक सुयोग, मतलब एक अच्छा फेवरेबल टाइम है। तो यहाँ आप अपने लोगों को बचा कर रखें, इन बीमारियों से बचें, ज्यादा बाहर का जो खाना पीना है उसको अवॉइड करें, मच्छर मक्खियों से खुद को सुरक्षित रखें, और जो ये डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं इनको भी रोकने में स्वास्थ्य विभाग की सहायता करें। जी धन्यवाद अमन हमें जानकारी प्रदान करने के लिए, और उम्मीद यही होगी कि किसानों को भारी मात्रा में वृद्धि मिले और मलेरिया के बढ़ते मरीजों की ओर सरकार ध्यान दे। धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।